हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो के अंदर हम दूसरा एक सम सॉल्व करेंगे जिसमें सेम यूनियन ओवर इंटरसेक्शन लॉ प्रूव करना है, सॉरी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन लॉ वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आप ये वीडियो स्टॉप करके ये कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है रिजल्ट वन रिजल्ट टू, तो आप वीडियो प्ले करके आंसर देख सकते हो। ठीक है, यू के अंदर बोला गया है कि भाई माइनस फाइव से लेके 13 के बीच के सारे नंबर है, माइनस फाइव से 13 के बीच के सारे नंबर है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं है। ठीक है, यू सेट आप अपनी नोटबुक में कैलकुलेशन में लिखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे मैंने गलती से फिर से ये लॉ लिख दिया जबकि मुझे सेट बनाना था। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ माइनस फाइव, तो माइनस फाइव के पहले होता है माइनस फोर, ठीक है, माइनस थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, डॉट 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 डॉट, 13, सो 12। ठीक है, 13 तक बोला है, सो लेस देन 13, सो 12। ठीक है, फिर ए सेट जो है वो क्या होगा, वन से स्टार्ट करके, इनिशियल नंबर है तो वन से स्टार्ट करके इट विल गो अप टू 9, बिकॉज लेस देन 10 बोला है। मल्टीपल ऑफ थ्री, तो तीन के सारे मल्टीपल लिखने हैं लेकिन 15 से कम, सो 3, 6, 9, 12, 15 नहीं, क्योंकि 15 भी नहीं, 15 से कम, तो 15 नहीं आएगा। और सी के अंदर हम लिखेंगे, सी के अंदर हम लिखेंगे माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री। ठीक है, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री। फोर और माइनस फोर नहीं गिनना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, और फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो यू जस्ट नीड टू इग्नोर दिस, बिकॉज ये जो कंटेंट बना गया है वो गुजराती इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बनाया गया है, तो यू जस्ट नीड टू इग्नोर दिस। ओके, अभी हम यहाँ पे लॉ लिखेंगे। ठीक है, लॉ क्या है हमारा, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो हमने ए बी सी लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया। ठीक है, दो बार ए लिखेंगे, यहाँ पे भी दो ब्रैकेट करेंगे, यहाँ पे ए लिखना है, यहाँ पे फिर से ए लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हम बी लिखेंगे, यहाँ पे हम सी लिखेंगे, यहाँ हमको ब्रैकेट बनाना है। ठीक है, अभी हम आगे क्या करेंगे, सो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है तो यू उल्टा यू, यू उल्टा उल्टा यू और यू। ठीक है, तो ये हमारा लॉ बन गया। अभी सबसे पहले हम करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बी और सी के अंदर क्या कॉमन है, वो क्या कॉमन दिख रहा है बी और सी में, तो मुझे थ्री दिख रहा है। ठीक है, थ्री, तो यहाँ पे हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे थ्री। ठीक है, उसके बाद हमें लॉ फिर से देखना है जो नीचे हमने डिस्प्ले किया था। ठीक है, वापस से हम एक बार लॉ समझ लेते हैं। ए बी सी लिखना है, इक्वल्स टू करना है, दो ब्रैकेट बनाने हैं, दोनों में ए ए लिखना है। ठीक है, फिर बी एंड सी यहाँ पे हमें ब्रैकेट बनाना है, फिर यू उल्टा यू, यू उल्टा यू, यू। ठीक है, तो अभी मैं हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। ठीक है, मैंने सेट ए लिख दिया। ठीक है, उसका यूनियन किसके साथ करना है, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या हुआ है, तो बी इंटरसेक्शन सी है थ्री। ठीक है, अभी हम उसका यूनियन करेंगे तो हमें मिल जाएगा, इसका हम यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका यूनियन करने से हमें यही सेट मिलेगा, ए ही मिलेगा, क्योंकि थ्री जो है पूरा ए में आ चुका है, यानी कि बी के सभी मेंबर ए में हैं। ठीक है, ये जो मतलब बी इंटरसेक्शन सी जो है उसके वो सारा ए के अंदर है, तो हम लिखेंगे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। ठीक है, लेट्स से रिजल्ट नंबर वन। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड आ जाते हैं, ए यूनियन बी करेंगे सबसे पहले। तो ए यूनियन बी हम कर रहे हैं, उसमें पूरा ए मैंने कॉपी कर दिया, थ्री ऑलरेडी आ चुका है नहीं लिखेंगे, सिक्स ऑलरेडी आ चुका है नहीं लिखेंगे, नाइन ऑलरेडी आ चुका है नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डायरेक्ट 12। फिर हम क्या करेंगे, ए यूनियन सी करेंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे वन से नाइन तक पूरा कॉपी कर दिया। ठीक है, ये माइनस थ्री ऑलरेडी आ चुका है नहीं तो लिखेंगे, माइनस टू ऑलरेडी आ चुका है नहीं तो लिखेंगे, माइनस वन ऑलरेडी आ चुका है नहीं तो लिखेंगे, जीरो ऑलरेडी आ चुका है नहीं तो लिखेंगे, वन टू थ्री इसमें है तो वो नहीं लिखेंगे। अभी ये दोनों का इंटरसेक्शन करना है हमें। ठीक है, ये दोनों का इंटरसेक्शन करना है। ये दोनों का इंटरसेक्शन किस तरह से करेंगे, जो दोनों में कॉमन है वो लिख देंगे, दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है फ्रॉम वन टू नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ठीक है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो अभी आप देख सकते हो रिजल्ट वन टू सेम हो गया। तो वी प्रूव्ड द लॉ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंटरसेक्शन ओवर यूनियन समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।